Welcome and very good morning to all. This is the lecture series of thermodynamics, and in this lecture we will discuss about the heat transfer in various processes in closed system. Closed system में जो भी processes हमने पढ़ी थी, याद होगा पांच processes पढ़ी थी, volume, pressure, isothermal, temperature, है ना, adiabatic, polytropic. उन सभी processes पे, उन पांचों processes पे हम देखेंगे कि heat transfer क्या होता है. Work transfer देख चुके हैं, heat transfer देखेंगे. एक यहाँ पर मैं block बना रहा हूँ बस, ठीक है. तो जो भी important equations निकलती जाएगी उसको हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है. जो भी वर्क होगा वो यहाँ पे होगा. जैसे जैसे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में क्या इक्वेशन है तो उसको यहाँ लिखा, कॉन्स्टेंट प्रेशर में क्या इक्वेशन है उसको यहाँ लिखा, आइसोथर्मल में क्या है यहाँ लिखा, और भी कुछ चीजें हैं जो हमको प्रूफ करना है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, प्रूफ कहीं ना कहीं करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस से. किस प्रोसेस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस से. चलो ठीक है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे मेरे को क्या निकालना है? हीट ट्रांसफर निकालना है. फॉर क्लोज सिस्टम किसकी बात हुई? प्रोसेस की. प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? du प्लस dhw, यही था. और किसकी बात हुई? क्लोज्ड सिस्टम की. क्लोज्ड सिस्टम में ये जो हमारा वर्क होता है ये क्या होता है भाई साहब? pdv. नाउ प्रोसेस कौन सी? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की. तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो. इट मींस वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा? जीरो. तो मैं बोल सकता हूं कि ये किसके इक्वल होगा? हीट ट्रांसफर किसके इक्वल होगी? du की. नाउ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का जब हमने पढ़ा था, पहले के वीडियो देखे, जस्ट शायद दो वीडियो पुराना है, कि हीट के बारे में बताया, तो हीट की एक इक्वेशन निकाली. वो इक्वेशन क्या है? mc dt, ठीक है. मास पे डिपेंड करती है हीट, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पे, ठीक है. और कॉन्स्टेंट आया था सी. नाउ प्रोसेस कौन सी है? वॉल्यूम. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? cv. तो पहली इक्वेशन क्या आ गई हमारी, कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ट्रांसफर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल. किसके इक्वल होता है ये ध्यान रखें, ये याद रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है. हीट ट्रांसफर किसके इक्वल होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? mcv dt. नाउ मैं यहां क्या लिख रहा हूं? फर्स्ट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है जिसमें du की वैल्यू मैंने निकाल ली, क्या होती है? mcv dt, ठीक है. चलो नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है हमारी? कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस अगेन हमारे फॉर्मूला क्या है? dq = du + dw. अगेन क्लोज्ड सिस्टम है तो ये क्या हो जाएगा? pdv. चलो लिखते हैं इसको du + pdv. प्रेशर तो क्या है हमारा? कांस्टेंट है. प्रेशर क्या है हमारा? कांस्टेंट है. तो मैं बोल सकता हूं, अगर ये डिफरेंशिएट दिख रहा है हमको, तो मैं इस प्रकार इसको बोल सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ u + pv. देखो u का करोगे अगेन चेंज आ जाएगा, चेंज ऑफ दिस, ठीक है. तो u का करोगे तो अगेन यही आ जाएगा. P प्रेशर तो क्या है हमारा? कांस्टेंट, तो कॉमन निकल जाएगा. और चेंज इन वॉल्यूम अगेन सेम इक्वेशन बन जाएगी. इसी के जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखा u + pv क्या होता है? हमारे एंथैल्पी. क्या होती है हमारी? एंथैल्पी. तो नाउ dq किसके इक्वल हो जाएगा? एंथैल्पी के. तो फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर किसके इक्वल होता है? चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है, ठीक है. चेंज इन एंथैल्पी. Now, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं. अभी हमको मालूम है, क्या मालूम है? dq की क्या वैल्यू होती है? mc dt. जस्ट पीछे भी देखा और हीट के फिनोमेना में भी देखा, प्रोसेस कौन सी? प्रेशर. तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या होगा? dh चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? mcp dt. चलो इस इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख देते हैं. कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमने देख लिया कि चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? mcp dt. क्लियर? नाउ अब आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करने से पहले मैं बात करूंगा cp - cv की. एक चीज हम प्रूफ करना चाह रहे हैं. क्या प्रूफ करना है हमको? हमको प्रूफ करना है कि cp - cv = क्या होता है? r. इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फॉर आइडियल गैस, ये जितने भी इक्वेशन है ये किसके लिए? आइडियल गैस के लिए. कौन कौन से इक्वेशन है?
एक तो du इज इक्वल टू क्या होता है mcvdt और dh इज इक्वल टू क्या होता है mcpdt। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं कहां से चालू कर रहा हूं, एंथैल्पी से। एंथैल्पी क्या होती है, u प्लस pv। इस प्रकार मैं इसको बोल सकता हूं। नाउ चेंज, चेंज क्या होगा, सबको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, अब यहां पे कोई सी प्रोसेस कांस्टेंट तो है नहीं, मैंने इस बात किसकी करी थी, एंथैल्पी की। नाउ इसको डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी, सेकंड टर्म ठीक है, फर्स्ट वैसी वैसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसा वैसा, फर्स्ट टर्म ठीक है। नाउ वैल्यूज क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, सही जा रहे हैं, सॉरी कुछ गलत हो गया, क्या गलत हो गया, डिफरेंशिएशन ऑनली ठीक है, अभी हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहे हैं, पीवी। नाउ हाँ यहां से सिंपल हो जाएगा, डीएच की क्या वैल्यू है, एम सी पी डी टी, ये तो चेंज इन टेम्परेचर है। डी यू की क्या वैल्यू है, एम सी वी डी टी प्लस, अब ये पीवी डी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी ये देख लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू हम लोग को क्या मालूम है, फॉर एन आइडियल गैस एम आई टी होता है, तो अगर मैं चेंज बोल रहा हूं पीवी में तो इधर क्या आएगा, चेंज आएगा किसका, एम आर टी का। एम भाई साहब मास तो जनरली क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, बाहर आ जाएगा। आर गैस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। चेंज सिर्फ हो रहा है तो क्या, टेम्परेचर, तो मैं बोल सकता हूं कि ये किसके इक्वल है, एम आर डी टी है। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, कॉमन कट कर दो। मास भी क्या है, फिक्स्ड सब में कॉमन, इसको भी कट कर दो। मेरे पास इक्वेशन क्या है, CP is equals to CV plus R, और मैं बोल सकता हूं कि CP minus CV is equals to क्या होता है, R। ये मैंने प्रूफ कर दिया, जो मैंने बोला था वो क्या कर दिया, प्रूफ। तो मेरे पास यहां पर एक टर्म आ गई कि CP minus CV क्या है, किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। और देखते हैं इसी में क्या देखते हैं, अब चलो यहां से स्टार्ट कर लेंगे ठीक। CP minus CV is equals to R होता है, तो मुझे ये भी पता है कि CP by CV क्या होता है, गामा। ये भी हीट में मैंने प्रूफ करके बताया था आपको कि CP by CV चूंकि ग्रेटर होता है और वो किसके इक्वल होता है, गामा के इक्वल होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि CP is equals to क्या होगा, गामा CV। CP is equals to क्या होगा, गामा CV। वहां रखो, उस इक्वेशन में रखो क्या होगा, गामा CV माइनस का CV is equals to R। और क्या बोल सकता हूं मैं इसको, गामा माइनस वन is equals to R by, या सिंपल सा वर्ड सीवी की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, और क्या हो सकती है, आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, यही होगी। ऐसे ही सेम इस इक्वेशन को जैसे सीपी को लेकर चले थे, ये एक और इक्वेशन है, इसको अगेन यहां पर मैंने लिखा कि सीवी इज इक्वल टू, मेरे पास एक और क्या इक्वेशन है, आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। ये सारी इक्वेशन अभी आगे यूज होगी कहीं ना कहीं, इसी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। नाउ अगेन इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर रहे हैं भाई, अभी CP की वैल्यू निकाली थी, अब CV की वैल्यू निकाल लो। तो CV की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा, CP by गामा। CP by गामा कहां है भी, ये रहा, यहां पर रखो CP by गामा। इस इक्वेशन में रखेंगे CP minus CP by गामा इज इक्वल टू R। LCM ले लो और गामा उस साइड चले जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं गामा R इज इक्वल टू गामा माइनस वन इंटू CP। हो सकता है, बिल्कुल होगा, गामा यहां गया, सीपी कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन, और गामा चूंकि एलसीएम में था इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, गामा आर। तो यहां से सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा टाइम्स गामा आर गामा माइनस वन। देखो यह क्या है, आर गामा माइनस वन, आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, यहाँ क्या है, गामा आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। अगेन यहां पर मैं बोल सकता हूँ सीपी इज गामा टाइम्स ग्रेटर देन सीवी ठीक है। नाउ ये भी एक हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, इसको भी यहां पर लिख दो कि सीपी की वैल्यू भी क्या होती है, गामा आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। चलो ये सब चीजें हमने प्रूफ कर दी, और इन सब चीजों को प्रूफ करने के बाद आपको आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए मैं बता देता हूं सीपी की वैल्यू, अब बता रहा हूं कितनी होती है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। CV की वैल्यू कितनी होती है, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन ठीक है। R की वैल्यू कितनी होती है, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन।
और गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, एयर के लिए। इन चारों वैल्यू को आप दिमाग में हमेशा के लिए रख लें, कहीं भी हो, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, थर्मोडायनामिक्स हो, चाहे थर्मल इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर वहां पर ये टर्म्स आ रही है और वर्ड एयर है या कुछ नहीं दिया है, तो हमको आइडियल गैस में एयर को ही लेकर के चलना है और वहां पर यही वाली सारी वैल्यूज क्या है, काम में आएगी। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, यहां तक तो हो गया। अब अगला क्या है, अगली प्रोसेस हमारी कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। चलो थर्ड, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के सबसे पहले मैं अपनी बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन लिख देता हूं, क्या होती है, डी डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डब्ल्यू। नाउ अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पे कौन सी चीज में डिफरेंस आया होगा हमको पता करना पड़ेगा ना। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि du की वैल्यू क्या होती है, mcv dt, यही होती है, वहीं से देख करके लिखी, हमने प्रूफ करी है वैल्यू। तो ना अब मैं ये बोल सकता हूं, m तो क्या है, जनरली कांस्टेंट रहता है, cv क्या है, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेट करो तो u क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। निकल जाएगा यहां से कि U किसका फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी, मास तो फिक्स्ड है, CV की वैल्यू अभी देखिए वो भी फिक्स्ड है, चेंज होता है तो क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर। इट मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, या जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। तो ना मैं बोल सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का फंक्शन है। और अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अगर टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो हो गया तो हीट किसके इक्वल आएगी, हीट किसके इक्वल आ जाएगी, वर्क के इक्वल आ जाएगी। और ऐसा हो सकता है, देखो अभी तक हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क। ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड था, कब वैलिड था, जब सिस्टम क्लोज्ड हो और एक थर्मोडायनामिक साइकिल हो रही हो, ठीक है। बट क्या ये प्रोसेस के लिए था, नहीं, प्रोसेस के लिए कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन किसके लिए थी, प्रोसेस के लिए थी। तो यस अब हम बोल सकते हैं कि जैसे हीट और वर्क साइकिल के लिए इक्वल हो सकते हैं, वैसे ही प्रोसेस के लिए भी क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। एक प्रोसेस है, वो कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल, वो प्रोसेस है जिसमें हीट और वर्क आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जहां पर हीट की वैल्यू आप जानते हो एम सी डी टी होती है और वर्क की वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है। वर्क की वैल्यू क्या होती थी इसमें, टी वन वी वन, ठीक है, एल एन वी टू बाय वी वन, ये थी वर्क की वैल्यू किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ना तो यहां से मेरे पास एक और चीज आती है, फॉर कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने क्या निकाला कि जो टोटल हीट है वो किसके इक्वल आ रही है, वर्क के इक्वल आ रही है। फॉर इन अ प्रोसेस टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क। चलो नेक्स्ट सबसे इजी, फोर्थ एडियाबेटिक, ये सबसे प्यारी प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि भाई साहब की डेफिनेशन में ही बोल दिया गया था कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो। इसकी डेफिनेशन ही ऐसी थी कि जिसकी ऐसी जो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर क्या हो, जीरो हो, हीट ट्रांसफर नहीं हो, वो प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबेटिक। तो यहां से हमारा डायरेक्ट पॉइंट आ गया, हम क्या निकाल रहे, हीट ट्रांसफर निकाल रहे, तो हमारा डायरेक्ट पॉइंट आ गया कि एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है, जीरो, ठीक, करेक्ट ना। अब आता है पॉलीट्रॉपिक, भैया उस टाइम भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हमने वर्क निकाला था, इस टाइम भी निकालते हैं, इस टाइम भी हीट निकाल लेंगे उसकी। चलो निकालते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, स्टार्ट कहां से करें, अगेन, चलो बहुत बढ़िया, डी यू प्लस डी एच डब्ल्यू, ठीक है। अब ये किसकी बात हो रही है, पॉलीट्रॉपिक की बात हो रही है,
ठीक है, पॉलीट्रोपिक की बात हो रही है, हमको क्या निकालना है, हीट निकालना। इसकी वैल्यू क्या है, एम सी वी डी टी, यही वैल्यू है। वर्क की वैल्यू क्या है, पॉलीट्रोपिक में वर्क की वैल्यू क्या थी, ये पॉलीट्रोपिक वर्क है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात हो रही है, पॉलीट्रोपिक वर्क होगा क्या होगा, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ये वर्क हमने प्रूफ किया है जब हमने वेरियस प्रोसेसेस की बात करी। आप पीछे जाए वीडियो देखे वर्क वाला, उसमें आपको बकायदा वेरियस प्रोसेसेस के वर्क में पॉलीट्रोपिक का वर्क क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, चलो आगे चलते हैं। तो मैं ये डी टी, अब चूंकि कौन कौन सी प्रोसेस है, वन और टू की प्रोसेस है, चेंज इन टेम्परेचर में ऐसा बोल सकता हूँ इसको, टी टू माइनस टी वन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, चेंज इन टेम्परेचर, यस चेंज इन टेम्परेचर लिखा, प्लस वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ठीक है करेक्ट। नाउ अब एम आर टी टू हो सकता है, सीवी की वैल्यू क्या है, ये नहीं सीवी की वैल्यू रख दो, सीवी की वैल्यू यहां से लो, क्या है आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, सीवी क्या है आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, टी टू माइनस टी वन प्लस, ये तो सेम चल रहा है अभी, ये वर्क वही वाला वर्क है पॉलीट्रोपिक वर्क एन माइनस वन। चलो आगे और चलते हैं, एम आर का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, अंदर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम आर टी टू एम आर टी वन, और हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। नाउ पी वन वी वन होगा तो ये क्या हो जाएगा एम आर टी वन, और पी टू वी टू होगा तो ये क्या हो जाएगा एम आर टी टू। तो नाउ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा तो एम आर टी टू आया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एम आर टी टू का मतलब ये क्या है मेरा पी टू वी टू, ठीक है, आर तो बाहर वैसा का वैसा, सॉरी कोई बाहर वैसा भी नहीं है, ठीक है ना, पी टू वी टू माइनस माइनस एम आर टी वन, एम आर टी वन किसके इक्वल है, पी वन वी वन के इक्वल है, पी वन वी वन के इक्वल डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। चलो यहाँ पे भी पी वन वी वन है, पी टू वी टू है, यहाँ पर भी सेम चीज है, मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन निकाल रहा हूँ, किसको कॉमन निकाल रहा हूँ, मैंने कॉमन निकाला पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, मैंने इसको क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, इसको कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर क्या बचा, ये तो प्लस वाली टर्म है एसी की, एसी वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, माइनस का क्योंकि यहां से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस का क्या बचा वन अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है, एलसीएम निकाल लो इसका, चलो पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू इंटू, ठीक है ये तो हो गया, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा गामा माइनस वन इंटू वन गामा माइनस वन, इधर एन माइनस प्लस वन, एन माइनस माइनस प्लस प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, ऊपर वैल्यू क्या बची गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय, ऊपर वैल्यू क्या बची गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय दो वैल्यू है हमारे पास क्या एन माइनस वन गामा माइनस वन, ये दोनों एलसीएम लिया था। चलो एक और चीज यहां पर देखो, ये जो टर्म है, ये भाई साहब जो टर्म है, ठीक है कौन सी पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ये क्या होता है पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ये क्या है पॉलीट्रोपिक का वर्क है, पॉलीट्रोपिक का वर्क है। तो चलो इसको आगे लिखते हैं, चलो इसको आगे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन इंटू वर्क ऑफ पॉलीट्रोपिक, ठीक है पॉलीट्रोपिक वर्क के इक्वल हो गई, क्या चीज ये वाली चीज, ये वाली चीज की वैल्यू कितनी है पॉलीट्रोपिक वर्क। तो नाउ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमने हीट ट्रांसफर की वैल्यू निकाल ली जो कि क्या होती है गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन डब्ल्यू पॉली, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके जो अंदर आती है वो क्या है स्पेसिफिक हीट, किसकी पॉलीट्रोपिक की, पॉलीट्रोपिक की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, चलो क्या होती है इसी इक्वेशन को मैं आगे लेकर के चल रहा हूं और अगेन जैसा पहला लिखा था वैसे ही लिखा, गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन
डब्ल्यू पॉली क्या है हम जानते हैं, P1V1 minus P2V2 divided by N minus 1. चलो और क्या है इसमें, ठीक है P1V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगेन आइडियल गैस इक्वेशन मुझे पता है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ MRT1 minus MRT2 में divided by what n minus 1. MR दोनों में क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूं मैं, चलो बाहर निकाल लेते हैं इसको, dq is equals to गामा माइनस n, ठीक गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इनटू MR इनटू T1 minus T2, ठीक है चलो अभी इसको ऐसे लिखते हैं T1 minus T2 divided by N minus 1. ये देखो एक टर्म R divided by गामा माइनस 1, ये हमारे किसके इक्वल होती है, CV के इक्वल होती है. तो ये हो, मैं बोल सकता हूं कि ये क्या हो गया गामा माइनस N. चलो इसको इस प्रकार से मान लेते हैं MM CV गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, कोई दिक्कत, एम वैसा का वैसा लिखा, आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन को सी भी लिख दिया, और ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म इनटू क्या T1 minus T2. अब एक्चुअली में हमारा जो dt होता है, ये जो dt वाले भाई साहब है, ये क्या होते हैं T2 minus T1 होते हैं, बट यहां पर क्या है T1 minus T2 है, तो T1 minus T2 है, अगर ये कुछ इस प्रकार है T1 minus T2 है तो ये किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं -dt. कोई दिक्कत यहां तक, चलो बस आखिरी स्टेप है, आखिरी पॉलीट्रॉपिक स्टेप, स्पेसिफिक हीट निकल करके आ जाएगी. चलो तो मैंने इसको क्या लिख दिया, dq is equals to mcv gamma minus n divided by gamma minus 1 sorry n minus gamma, वो जो माइनस साइन है उसको मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू dt. अब हम क्या जानते हैं dq = क्या होता है mcv dt. अब हमको क्या निकालना था, पॉलीट्रॉपिक की क्या निकालना था, स्पेसिफिक हीट, पॉलीट्रॉपिक की स्पेसिफिक हीट जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं पॉलीट्रॉपिक की स्पेसिफिक हीट = क्या हो जाएगा, n - γ / γ - 1, ठीक है, इनटू किसके, इनटू सीवी. चलो अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो मैंने इक्वेशन निकाल ली, स्पेसिफिक हीट निकाल ली किसकी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की. इंपॉर्टेंट क्या है भैया, हमको पता है 1 से बड़ी n की वैल्यू होती है और उससे बड़ी गामा की वैल्यू होती है, तो ये जो सीवी भाई साहब है इसकी वैल्यू तो किस में है, पॉजिटिव में है, गामा की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस ये वाली टर्म भी क्या है, पॉजिटिव, बट n छोटा है किससे, गामा से, तो इट मींस इसकी वैल्यू जो है वो किसी नेगेटिव, और कोई भी नेगेटिव आया तो इट मींस होल जितनी भी वैल्यूज है वो किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में. तो इसका मीनिंग क्या है कि पॉलीट्रॉपिक की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है. क्लियर यहां पर, ये यह हमने यहां पर प्रूव करके बता दिया है. चलो नेगेटिव का मतलब ये है कि किसी सिस्टम को हम हीट कम दे रहे हैं बट वो वर्क क्या कर रही है, ज्यादा दे रही है. फॉर एन एग्जांपल, ठीक है फॉर एन एग्जांपल कि ये कोई हमने मान लो हीट कितनी दी, 30 दी, बाकी उसने वर्क हमको कितना दे दिया, कोई 50 दे दिया, कोई 60 दे दिया, ज्यादा दिया हीट से, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट किसमें थी, नेगेटिव में, तो वो एब्जॉर्ब करने की बजाय क्या करती है, उल्टा देती है. इट मीन्स टेम्परेचर, जैसे ही हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ने की जगह टेम्परेचर और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अपनी जो है वो किसको, किसमें कन्वर्ट करके दे रहा है, वर्क में कन्वर्ट करके दे रहा है. ठीक है, ये बहुत बेसिक है और बहुत फंडामेंटल है, कहीं ना कहीं आपको आगे यूज जरूर आएगा. पॉलीट्रॉपिक का वर्क लिखने की कोई जरूरत नहीं है. चलो अब इंपॉर्टेंट ये वाला इक्वेशन, सारी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं चाहो तो लिख लेना. ठीक है, इसके अलावा ओ चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया, अभी अगेन इंपॉर्टेंट थी. अब डिराइव करना है क्या, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पीवी की पावर गामा इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट हम प्रूफ करके बताएंगे,
एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये चीज होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। अगेन बेसिक इक्वेशन से चले हम, प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस की इक्वेशन भी ले लेते हैं। इक्वेशन ले ली हमने प्रोसेस की, अब प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक की प्रोसेस कौन सी है भैया, एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक प्रोसेस में बेचारी हीट तो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हीट क्या हो रही है, जीरो हो रही है। और सिस्टम किस टाइप का ले रहे हैं हम, क्लोज्ड। देखो यहाँ पर लिखा था कौन सा सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम है तो मैं बोल सकता हूँ जीरो इज इक्वल टू डीयू प्लस ये क्या हो सकता है, पीडीवी, यही होगा। चलो डीयू की वैल्यू क्या है, डीयू की वैल्यू हमको पता है, हमने वहां पर निकाली थी। डीयू की वैल्यू कितनी थी, डीयू इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, एमसीवी डीटी होता है। ठीक है, तो ये हमारी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अच्छा इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉरी ये है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन इसको दे दे क्या, देखिए यस इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। सेकंड इक्वेशन में क्या दे रहा हूं, एम सी वी डी टी, डी यू को इस साइड लाए या सॉरी डी यू को यही ने दिया, पीडीवी को इस साइड लिया, एम सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस का पीडीवी, ये इस साइड लिया तो क्या हो गया माइनस का। चलो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टार्ट कर रहे हैं नाउ, हमको क्या पता है कि एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या था, यू प्लस पीवी, ये पता है, ये अभी हमने पढ़ा था। नाउ चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, डीयू इज इक्वल डीएच इज इक्वल टू इसका करो इंटीग्रेशन, ओह सॉरी डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म ऑफ बेसिक इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर देखो हमारे पास टर्म क्या है, डीयू प्लस पीडीवी, ये भाई साहब का है डीयू प्लस पीडीवी, वो किसके इक्वल है, जीरो सॉरी सेकंड थर्ड। ठीक है, ये भाई साहब किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो डीएच की वैल्यू क्या हो गई, वीडीपी हो गई, डीएच की वैल्यू क्या हो गई, वीडीपी। नाउ हमको पता है डीएच की वैल्यू अगर वीडीपी हो गई है और डीएच इज इक्वल टू क्या होता है, एमसीपी डीटी। अभी बताया था वहां जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिखे थे उसमें बताया था डीएच की वैल्यू क्या होती है, एमसीपी डीटी, और ये किसके इक्वल है, वीडीपी के। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, फोर्थ। डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेशन नंबर फोर से डिवाइड कर दो। तो चलो हम यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर थ्री अभी लिखी हुई है उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ माइनस का पीडीवी डिवाइडेड बाय वीडीपी। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया, थर्ड सॉरी फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दो। चलो कोई बात नहीं, आगे रेसिप्रोकल भी कर सकते थे, डिवाइड फोर्थ बाय थर्ड। तो वीडीपी माइनस का साइन लगा दिया मैंने, पीडीवी है ना, इज इक्वल टू में क्या है भैया, इस साइड क्या है, एम सी पी डी टी डिवाइडेड बाय एम सी वी डी टी। ठीक है, मास कैंसल आउट, टेम्परेचर डिफरेंस कैंसल आउट, सीपी बाय सी वी, सीपी बाय सी वी क्या होता है, सीपी बाय सी वी हम पढ़ चुके हैं, एक बार यहां पर लिख देते हैं कि क्या बचा यहाँ पे, सीपी बाय सी वी विच इज इक्वल टू वट कामा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया आ जाएगा यहां से, माइनस का डीपी बाय पी इज इक्वल टू, ये उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, गामा डीवी बाय वी। ठीक है, क्या करो इसको उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, गामा डीवी बाय वी प्लस का डीपी बाय पी इज इक्वल टू वॉट, जीरो। ये कोई इक्वेशन नंबर में दे रहा हूं फिफ्थ, इक्वेशन नंबर क्या हो गई फिफ्थ, बस लास्ट खत्म ही होने वाला है, प्रूफ हो गया आप। चलो क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, गामा तो भाई साहब कांस्टेंट है, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ln x। तो मैं बोल सकता हूँ ln x प्लस अगेन dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x, ये हो गया। इसी को जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट। नाउ ये पढ़ा है आपने n ln m इज इक्वल टू वट, ln m की पावर n हो सकता है प्लस ln p, क्योंकि सारे लॉग में है तो मैंने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग में कर सकता हूं कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसको मैंने इस प्रकार लिख दिया, ln m प्लस ln n क्या हो जाएगा, ln
m plus n, sorry, m into n is equals to what? ln से ln क्या होता है, आपस में कट जाएगा, pv की पावर गामा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। ये हमने किसके लिए प्रूफ कर दिया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो है हमने प्रूफ कर दिया। तो ये इक्वेशन किसके लिए है, आइडियल गैस की इक्वेशन है और सिर्फ किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन है, जो कि हम पहले यूज कर चुके हैं, हीट ट्रांसफर भी निकालने में हमने यूज कर लिया है और वर्क का जो पूरा फंडामेंटल्स था, वर्क का जो इक्वेशन थी उसको निकालने में भी हमने इसका यूज कर लिया है। ठीक है, यहां तक में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उस डाउट को हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई सा पॉइंट जो छूट गया हो तो भी आप बता सकते हैं, या कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हुई हो तो भी आप कमेंट में करें, हम उसको करेक्शन करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, ये सब शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक हीट खत्म हो जाती है, हीट के सारे फॉर्मूलेज भी खत्म हो गए हैं, वर्क भी खत्म हो गया है, फर्स्ट लॉ का एक सेक्शन खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट, ठीक है, एंड शेयर दिस चैनल वीडियो एंड चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।